एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग केसी सिन्हा क्लास 12 एक्सरसाइज 6.1 हम पिछले वीडियो में इन कर दिए थे। आज हम 6.2 का क्वेश्चन भी देखेंगे और साथ ही इसमें जो बेसिक पहले कॉन्सेप्ट हैं उनको हम पहले समझते हैं, यानी कि अप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो देखिए, पहले एरिया ऑफ ए ट्रेंगल इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, यानी कि ये जो एरिया ऑफ ए ट्रेंगल यानी कि ट्रेंगल का एरिया हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। ठीक, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो वी नो डैट द एरिया ऑफ ए ट्रेंगल हुज वर्टिसेस आर x1, y1, x2, y2 and x3, y3 इज गिवन बाय। ये देखिए, ये थ्री पॉइंट आप लोग को दिया रहेगा और कहेगा कि डिटर्मिनेंट के यूज करके इनका एरिया फाइंड करने के लिए इज गिवन बाय। तो ये देखिए, इनको हम ये डेल्टा से सूचित करते हैं। ये देखिए, ये जो ट्रेंगल का जो चिन्ह लगा हुआ है इनको हम डेल्टा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 1/2, ये 1/2, ये देखिए x1 हम लेंगे, ये x1 वाले पॉइंट को लेंगे, तो ये इधर से y2 और ये y3 पकड़ेंगे, तो y2 - y3। ठीक है, फिर x2 को लेंगे, तो x2 को लेंगे, ये x2 को लेंगे, तो ये फिर x2 को लेंगे, तो ये y1 - y3। ठीक है, फिर x3 के लेंगे, तो ये y1 - y2, ये आ गया। अब देखिए, इनको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए, ये 1/2 x1, ये देखिए, ये x1 y1 x2 y2 and x3 y3, ये है ना, इनको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3, 1 1 1 इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। इसी को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिखकर ऐसे ही हम निकालते हैं एरिया। ठीक है, अब देखिए, आप इनको जब सॉल्व करिएगा तो ये इतना आ जाएगा। इनको जब आप सॉल्व करिएगा इसी वन से, जब हम एक्सपेंड इसको करिएगा तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें कुछ रिमार्क हैं। सिंस एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया जो होता है वह पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया जो आता है वह पॉजिटिव में आता है। ठीक है, वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एवव डिटर्मिनेंट्स फॉर द एरिया। ठीक है, अब देखिए, ये रिमार्क 2 है। इफ 3 पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इक्वल टू 0, यानी कि 3 पॉइंट जब कोलिनियर होगा तो उनका जो एरिया होगा वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं, ये आप लोग देखिएगा अच्छे से। अब देखिए आगे है कंडीशन फॉर कोलिनियर। अब देखिए, लेट ए इक्वल टू x1 y1, बी इक्वल टू x2 y2 एंड सी x3 y3, बी 3 गिवन पॉइंट, यानी कि ये 3 गिवन पॉइंट दिया हुआ है, देन ए बी सी आर कोलिनियर, यानी कि देखिए ये जो हम, ये देखिए 3 पॉइंट, ये देखिए 3 पॉइंट दिया हुआ है, जब ये 3 पॉइंट जब कोलिनियर होता है तो उनका एरिया 0 के इक्वल हो जाता है, तो ये एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इक्वल टू 0। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इक्वल टू 0, तो ये 1/2, ये देखिए ये 1/2 और x1 y x2 और x3, x1 x2 x3 एंड y1 y2 and y3, 1 1 1 इक्वल टू 0। अब देखिए, ये 2 इस साइड चल जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 इस साइड चल जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इनको हम जब, ये देखिए, इनको जब हम ये C1 से जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये देखिए x1 इनके रो और ये कॉलम, तो y2 - y3। ठीक है, ये माइनस, ये देखिए ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस इसीलिए दिया हुआ है। देखिए, ये माइनस x2 जब हम लेंगे, x2 लेंगे तो ये रो और ये कॉलम, तो ये हो जाएगा y1 - y3, यानी y1 - अब देखिए यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, अर्थात ये x2 इक्वल टू हो जाएगा y3 और ये -y1, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हम x3 लेंगे तो ये रो और ये कॉलम, तो ये y1 - y2 इक्वल टू 0। अब देखिए, ये देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर, तो तीनों ए बी सी जो है वह कोलिनियर है, तो ये x1 - x3 + x2 - y3 - y1 + x3 - y1 - y2 इक्वल टू 0, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेंगल हुज वर्टिसेस आर a = a - 2 - 3, यानी कि b (3, 2) and c (-1, 8) हेयर। यहाँ पे देखिए x1, ये देखिए a जो है, ये x1 हमारा -2 एंड y1 - 3 है, यहाँ पे x2 3 और y2 2 एंड यहाँ पर x3 - 1 एंड y3
माइनस 8 है, इनको कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेंगल, यानी कि इनका जो होता है इनको इनका जो कहता है वह एरिया फाइंड करने के लिए। तो एरिया इक्वल टू यही फॉर्मूला होता है, देयर फॉर 1 बाई टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री 1 1 1। ये देखिए हाँ ये 1 बाई 2, और देखिए एक्स वन माइनस टू एंड एक्स टू थ्री एंड एक्स थ्री जो है वह माइनस वन है। ठीक उसी प्रकार वाई वन जो है वह माइनस थ्री और वाई टू टू एंड वाई थ्री माइनस है, तो ये 1 1 1। अब देखिए इनको जो है यहाँ पर हम ऑपरेशन कर दिए, यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, आर टू गोज टू आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री गोज टू आर थ्री माइनस आर वन। ठीक है ये किया हुआ है। तो अब देखिए आर टू माइनस आर वन यानी आर टू माइनस आर वन यानी आर टू माइनस आर वन को घटाएंगे तो ये थ्री, ये देखिए ये थ्री माइनस माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस थ्री प्लस टू यानी कि ये फाइव है। तो ये देखिए यहीं पर ये फाइव आ गया, और फिर उसी प्रकार यहाँ पे करेंगे तो ये फाइव और ये वन में से वन जगह जीरो। ठीक उसी प्रकार आर थ्री माइनस आर वन यानी आर थ्री माइनस आर वन को सब्ट्रैक्ट किया तो ये वन माइनस फाइव जीरो। ठीक है अब देखिए इनको हम जो है वह सी थ्री से एक्सपेंड किया है, सी थ्री से एक्सपेंड करेंगे तो ये रो और ये कॉलम डिलीटिंग, तो ये देखिए फाइव फाइव वन माइनस फाइव 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 वन और ये माइनस फाइव, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव, तो ये देखिए माइनस कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा और 2 से जब कट जाएगा तो माइनस 15 आएगा। तो देखिए एरिया हैंस एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इक्वल टू, ये देखिए ये जो है वह ये मोड ऑफ माइनस 15 यानी कि मोड इसीलिए हम दे दिए क्योंकि एरिया जो होता है वह नेगेटिव नहीं होता, आप लोग को हम रिमार्क में बताए थे। ठीक है इसीलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस है तो ये 15 स्क्वायर यूनिट्स, यही हमारा क्या होगा तो आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अगर आप लोग को कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम उनका रिप्लाई अगले वीडियो में दे देंगे। ठीक है तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं ये 6.2 एक्सरसाइज के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। जय हिंद।